मध्य प्रदेश कांग्रेस ने फिर एक बार बड़ा दाव खेला है। प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर बताया है कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। बता दें कि अब तक यह स्कीम छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लागू हो चुकी है। बीते कई दिनों से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को यह भी अल्टीमेटम दिया है कि सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो 2 अक्टूबर को फिर से बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। इसलिए कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है और मैदान में उतर गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पेंशन को लेकर कर्मचारियों से वादा भी किया है। बता दें कि कमलनाथ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ऐलान भी कर चुके हैं।